सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुन्तुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस पर दस्तखत हैं। हम कुस्तुन्तुनिया कंपनी अशरफ अजीज के हवाले कर रहे हैं। कुस्तुन्तुनिया कंपनी के दस्तावेजात हैं, ये दस्तखत शुदा है। उन्होंने कंपनी तुम्हें दे दी है, लेकिन अब वो कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अब जाना होगा हमें, वरना उन्हें हमारी गैर मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। एक राहिब की आखिरी रसूमात की अदायगी, इसे आप बस पैरोकारों की ख्वाहिश समझें। वो कब आ रहा है? वो रेलगाड़ी से आएगा, उसे हस्पताल ले जाया जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो कानून को मतलूब है। सुल्तान मुअज्जम ने बाबा को बीमार जाहिर करने के लिए तबीब से गलत तशखीस करवाई। क्या मतलब कि मर जाओगी? समझ जाओ लियोन, हम तुम्हें मुर्दा जाहिर करेंगे। पेरिकलीस को एक मुताद्दी जहर दिया गया है, जहर काफी ताकतवर है, तो हमें पूरे सेलानिक में ऐलान करना चाहिए कि वो मुताद्दी जहर से मारे गए हैं, ताकि लोग यहाँ जमा ना हो। सुल्तान मौजम, सेलानिक से टेलीग्राम आया है, राहिब साहब की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं, लेकिन उसमें शरीक कोई भी नहीं हुआ। खानाबंदी मनसूख नहीं की गई। सुल्तान मौजम कोई हरकत नहीं करेगा, अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका सर काट दूंगा। मैं अनजाने में एक बुराई का हिस्सा बन गया। मुझे अभी इल्म हुआ है कि मैं एक बड़ा राज जानता हूँ। वो गद्दार पाशा जिसकी आपको तलाश है, वो अहमद पाशा है। छोड़िए हमें, जाइए यहाँ से, जाइए। हमारे कमरे में एक खातून थी, सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था। हमारे कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल हो गई थी वो। तलाश कीजिए उन्हें। मेरी बेहोशी के दौरान वो मेरी अयादत के लिए तशरीफ लाए? नहीं पाशा। सुल्तान मौसम, आपने अभी तक खाना तनावुल नहीं फरमाया। खाना अभी तक उसी तरह रखा हुआ है। हमें भूख नहीं है पाशा। हम क्या करें पाशा? जब अहमद पाशा के खिलाफ शुबहात बढ़े तो हमने दुआ की कि ऐसा ना हो, लेकिन बस्ते से निकलने वाला नाम उन्हीं का है। मश्क में इस्तेमाल होने वाला हथियार क्या किसी और के पास भी है? हमें ताजर से दरियाफ्त करना चाहिए। सुल्तान मौसम, मैं जानता हूँ आप अहमद पाशा को इल्जाम से बचाने की वजह तलाश कर रहे हैं, सबूत की तलाश में हैं। शायद मश्क में इस्तेमाल होने वाले हथियार पाए तख्त में और भी हों। कातिब साहब को हो सकता है किसी और ने उसी हथियार से गोली मारी हो। हमें भेजे गए हथियारों के नमूने नए थे और खुसूसी इजाजत से यहाँ लाए गए थे। इनका किसी और के पास होना नामुमकिन है, लेकिन हम फिर भी तहकीकात कर सकते हैं। असलहा ताजर को तलब कीजिए, हम उससे खुद बात करेंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा की गद्दारी के इस दुख को आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? सेलानिक में खानाबंदी जारी रहेगी तहसीन पाशा, और हम मेसन तंजीम को मजबूर करेंगे कि वो पाए तख्त में इजलास करें, और इसके लिए उन सबको आपस में राब्ते की जरूरत होगी। हम उनके मवासात के जरिए तलाश करेंगे, घात लगाएंगे उन पर। अगर अहमद पाशा मेसन है तो हम इसका मुशाहिदा अपनी आंखों से करेंगे। और अगर उन्होंने इजलास नहीं किया तो हम उन्हें पाए तख्त में जमा होने पर कैसे मजबूर करेंगे? आप देख ही लेंगे पाशा। उनकी सोच में फसाद है तो हमारे पास फिरासत और अक्ल है, आप देख लेंगे। सलीम पाशा को यहां बुलवाएं, हमें उनसे कुछ सवालात करने हैं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तो आपने सेलानिक के लिए टिकट खरीद लिया है भाई? ये क्या कर रहे हैं? हमारा पेरिकलीस को मारना बेकार रहा। अब्दुल हमीद ने तबीब भेजे, उन्होंने उसे मुताद्दी करार दे दिया। खानाबंदी जारी है। अब इस्माइल पाशा को बचाने के लिए क्या करेंगे? हमारे इजलास करने के तमाम रास्ते बंद हैं। हम इजलास मुलतवी कर देंगे। मैं जानता हूं कि अजीम लॉज बनने और अपने भाई को बचाने के लिए यह मुलाकात बहुत अहम थी, लेकिन हमारे पास इंतजार करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं। और जैसा कि आपने ही कहा था कि सब दरवाजे बंद हैं, लेकिन वक्ती तौर पे चूंकि हम इजलास नहीं कर सकते, इस्माइल पाशा के पास चलते हैं और अपने भाई को बताते हैं कि हम उनके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ उनकी मदद करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते जनाब फर्नांडिस। आपके और हमारे दरमियान बहुत से मामलात मुश्तरिक हैं। हमारा मजहब एक है, हमारी तिजारती शराकतदारी भी है, लेकिन अजीम लॉज बने बगैर हम खुद को जाहिर नहीं कर सकते। अगर हम खुद को जाहिर करते हैं तो हम अपने हल्फ के साथ खयानत करने वालों में से होंगे। ज़ुल्फ़लुई इस्माइल पाशा यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल में है। हमारे भाई ने हमारे उसूलों के मुताबिक काम किया है। वो जानता है कि उसने मेसन होने का ऐलान करके कुछ गलत नहीं किया। उसने ये भी सोच रखा होगा कि मुलाकात के दिन तक क्या करना है। याद रखो, अगर हम उसकी मदद करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। फर्नांडिस, मुझे ये मत कहना कि अशरफ अजीज ने लियोन को पकड़ लिया है। पकड़ लिया है उसने। मैं क्या करता? अस्पताल में लोगों के सामने उससे लड़ता क्या? सिपाही भी थे वहाँ। और सहाफी कहाँ थे? वो भी वहाँ थे, मगर उनसे तस्वीर और कागजात जब्त कर लिए गए। तुम उन सब आदमियों के होते हुए कुछ नहीं कर सके। वो सब आदमी उनके कब्जे में थे, और अशरफ अजीज को कंपनी देने का मैंने तुमसे कहा था क्या? जब आप ऐसी चालें चलते हैं तो फिर इस तरह के अजीब वाकयात रोनुमा होते हैं। अगर तुम लियोन की आमद कागजात में से गायब कर देते तो ऐसा ना होता। ज़करियान, हम मिका को क्या कहेंगे? हम उसे तंजीम का सदर बनाने के लिए लाए थे। आ जाओ भाई, मिका ने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, जाके अशरफ को तलाश करो और उससे लियोन के मुतालिक तफ्तीश करो। उसे बताओ हमने उस पर एहसान किया है, मामला खत्म करें। वो जल्द मिल जाएगा, हमारे लोग हर जगह तलाश कर रहे हैं। तो बताओ लियोन, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं वहां कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो इलाज के लिए गया था। तुम लोगों ने मुझे अगवा किया। क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारे अस्पताल जाने की वजह क्या थी? वो तकव्वुर मशदूद वगैरह हम जानते हैं। यहाँ तुम पर पाबंदी है, तुम्हारा तो चेहरा जल गया था ना, लेकिन तुम्हारा ये मलून चेहरा तो ठीक है। तुम किस इलाज के लिए अस्पताल गए थे? क्या हुआ चाचा, सब खैरियत है? यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, मगर दुबारा जी को देखा तो मामला बदल गया। दुबारा जी यानी लियोन, इसे सब दुबारा जी कहते हैं। आप इस काफिर को जानते हैं? यह बेईमानी का गढ़ है। हमने ईवान में इसके खिलाफ फैसला दिया था, फिर इसने काम करना छोड़ दिया। बाद अज़ां जब यह बेनकाब हुआ तो इसे जिला वतन कर दिया गया। बाये तख्त में इसके दाखिले पर पाबंदी है। ये एक पहलवान है, ये यकतरफा खेलकर लोगों को लूटता है। किमार बास, अस्पताल का मंसूबा, पहलवान, कुश्ती, जगरयान की कंपनी। जगरयान को यकीनन इस आदमी की जरूरत है। उन लोगों ने ही आर्तिन को मारा है। ये मामला मजदूरों की तंजीम का ही है ना चाचा? हाँ, वाहब के कहने के मुताबिक इसे कारकुन तंजीम के लिए ही लाया गया है। वो आइंदा इंतखाबात में इस आदमी को ही आर्तिन की जगह लेकर आएंगे। क्या आप अपने हवास खो बैठी हैं आलिया? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर हम वहां पर वक्त ना पहुंचते तो आप बेदार सुल्तान को मार देती। बाबा से मुतालिक दस्तावेजात देखे तो गुस्सा आ गया हमें। मगर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने आज तक किसी एक कीड़े तक को नहीं मारा। या अल्लाह, में कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा की वफात हुई तो ये महल में रो रहे थे, उनके लिए दुआ कर रहे थे, सदका दिया गया। बाबा की वफात के बाद इन्होंने हमारा ख्याल रखा, अकेला नहीं छोड़ा हमें। लेकिन क्या चचा जान ने बरसों पहले हमारे बाबा को जीते जी नहीं मार दिया था? आलिया, उनकी इज्जत और नामूस, जीने का सबब, क्या सब कुछ उनसे नहीं छीन लिया गया था? बस इसीलिए उन्हें भी तकलीफ पहुंचे, बस यही चाहते हैं हम। उन्हें भी हमारी तकलीफ महसूस हो, बेदार सुल्तान की मौत का सदमा उठाना पड़े ताकि एहसास हो उन्हें वो हमारे बाबा की तरह जीते जी मर जाए, यही चाहते हैं हम। और ऐसा जरूर होगा। आलिया, हमारी प्यारी बहन, हम अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर हकीकत क्या है। जानते हैं हम दोनों, दस्तावेजात देखी हैं दोनों ने। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो आदमी काबिल भरोसा है या नहीं। क्या उस पर शक करने की कोई वजह है आपके पास? हमारी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई, इतनी जल्दी एतमाद नहीं किया जा सकता। हमें तो ये शक है कि आया वो दस्तावेजात दुरुस्त भी थी या नहीं। हमें यकीन है आलिया, लेकिन हमें नहीं है। फर्ज कीजिए कि उसमें जो लिखा है वो सच हुआ तो हम क्या करेंगे बताएं? क्या जाकर बेदार सुल्तान को कत्ल कर देंगे या फिर चचा को? क्या हम कातिल हैं आलिया? हम कैसे किसी की जान ले सकते हैं? जरूर कोई खात्मा होंगी वालिदा, शायद उन्हें मालूम ना हो कि आप अंदर हैं, इसलिए डर कर भाग गई। नईमे, ये खादिमाओं का काम नहीं हो सकता। यकीनन ये वही थी। कौन? फातिमा सुल्तान, और कौन हो सकता है? वो सुर्ख लिबास उन्हीं का था, हम जानते हैं। वालिदा, फातिमा ऐसा क्यों करेंगी? अगर वो होती तो आपसे बात करती, भागती क्यों आखिर? हमें नहीं मालूम, मगर इस सवाल का जवाब हमें वही देंगी। शुक्र है कि हम बेदार सुल्तान के जागने से पहले उस कमरे से निकल आए। अगर वो हमें अपने कमरे में उस तरह देख लेती तो क्या होता? फिलहाल हम इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। बेदार सुल्तान, सब ठीक है? आप यहाँ इस तरह अचानक, सब खैरियत तो है ना? हम भी आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमरे में क्या कर रही थी? जवाब दीजिए हमें। आप बगैर इजाजत हमारे कमरे में कैसे दाखिल हो सकती हैं? हम समझे नहीं आपकी बात। बेदार सुल्तान, हमारी बहन आपके कमरे में कब दाखिल हुई? इस सवाल का जवाब ये खुद बहुत अच्छी तरह जानती है। आधे घंटे पहले ये हमारे कमरे में थी, एन उस वक्त जब हम सो रहे थे। बताइए हमें, हमारे सोते हुए आपको हमारे कमरे में क्या काम पड़ गया? लेकिन ये मुमकिन नहीं है, हम दोनों काफी देर से कमरे से बाहर नहीं निकले। वालिदा, शायद आपको गलत फहमी हुई है, हमें मजीद इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं नईमे, फातिमा सुल्तान ही हमारे कमरे में आई थी, हमने आपके लिबास के रंग से आपको पहचान लिया था। सुल्ताना, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन ये रंग सिर्फ हमारी बहन ने नहीं पहना, हो सकता है आपकी खातमाओं में से भी किसी ने यही रंग पहना हुआ हो। आलिया ठीक कह रही है, चलिए हमें चलना चाहिए। जब से आप इस महल में आई हैं तब से हमें इत्मीनान नहीं है। आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? क्या मंसूबा है आपका? हमारी नजरें आप पर हैं। आइंदा कुछ भी करने से पहले जरूर सोचिएगा। उनकी तरफ से हम माफी चाहते हैं, आप दोनों से। वालिदा पहले ऐसी नहीं थी, बहुत गैर मुतवक्का हालात का सामना किया है, बहुत लोगों की गद्दारी सही है, इसलिए अब सबको शक की निगाह से देखती हैं। आप परेशान मत हो नईमे बाजी, एक वक्त आएगा जब उन्हें हम पर भरोसा हो जाएगा। सलीम पाशा, हमें एक मामले में आपके हाफिज़े की मदद दरकार है, इसलिए आपको यहाँ तलब किया है। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। क्या आप हमें दोबारा बता सकते हैं कि सेलानिक जाते हुए रेलगाड़ी में क्या हुआ था? हमें मालूम हो गया था कि उस शख्स ने ट्रेन के कौन से डब्बे का टिकट खरीदा है। हमने उसके भागने के डर से खिड़की मुकफ्फल करवा दी। ट्रेन में दाखिल होने के बाद वो डब्बा नंबर 12 में दाखिल हुआ, जहां अहमद पाशा मौजूद थे। निकलते वक्त उसके हाथ में अखबार था। आपको यकीन है कि उसने अखबार उसी कमरे से उठाया था? जी सुल्तान मौसम, वो निकलते हुए मुझसे टकराया था और अखबार नीचे गिर गया। मैंने खुद उसे वो अखबार उठा कर दिया था। क्या आपने भी उस अखबार को हाथ लगाया था? जी, लेकिन मैंने दस्ताने पहन रखे थे। क्यों? भेस बदलने की वजह से खाना पेश करने वालों का लिबास पहन रखा था और उस लिबास में दस्ताने पहनना भी जरूरी था। ठीक है पाशा, अब आप जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, अखबार वाला मसला तो जाहिर हो गया है। उस शख्स ने अखबार अहमद पाशा से लिया था। हमें भेस बदल कर बाहर जाना है पाशा। अल्लाह अल्लाह। अहमद पाशा, ऐसा लगता है कि अब आपकी वफादारी पर भी शक किया जा रहा है। मिका, आपने मुझे बुलाया? आओ ततावली, आओ आओ। देखो, ये घड़ी हमारी जिंदगी के इख्तिताम को किस चांद से बयान कर रही है। जनाब, हमने ही इन्हें यह खबर शाया करने को कहा। जब हमने अशरफ अजीज को वहां देखा तो लियोन को सहाफियों के सामने उसके हाथ में छोड़ दिया। क्यों? जब यह खबर फैलेगी तो लोग इसे अस्पताल पर हमला कहेंगे और इस तरह उसकी साख भी खराब होगी और शायद उसे जिला वतन कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह मंसूबा कारामद साबित होगा। मैं उसे मार दूंगा, लेकिन पहले मैं उसे उसकी बेटी के साथ रेंगता हुआ देखना चाहता हूं, जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। उसका बेटा दिन ब दिन पिघलता जाएगा। अशरफ अजीज का हर दिन जहन्नुम की तरह होगा। बहरहाल, लियोन को अशरफ अजीज की गिरफ्त से हासिल करना जरूरी है। हम लियोन को अशरफ अजीज से ले लेंगे, आप फिक्र मत करें। ठीक है, जल्दी करो। जाओ जाओ। ये एक मशहूर कीमारबाज है। ये बिलावजह यहाँ नहीं आया, बल्कि ज़करियान के मंसूबे के तहत यहाँ लाया गया है। तंजीम के लिए, कारकुन तंजीम के लिए। हाँ, वो तंजीम जो आर्तिन की सरबराही में थी। मेरा नाम अशरफ अजीज है। अगर तुम असल मौजू पर नहीं आए तो इजराइल खुद यहां आएंगे, वो भी फौरन। लेकिन मैं तुम्हारे मरने से पहले हर चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि सब तुम्हारे बताने पर मुनसर है। जिस कदर इम्कान तुम्हारी मौत का है, उतना ही जिंदगी का भी हो सकता है। अब एक मर्द की तरह सच बताओ। बार बार नहीं पूछूंगा मैं। यह सच है कि मैं तंजीम के लिए लाया गया हूं, और यह भी कि ज़करियान के हुक्म पर लाया गया। जो कुछ हम जानते हैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं। ये बताओ कि वो एक कीमारबाज को तंजीम का सरबराह क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास सब कारकुनों की जमानतें हैं। उनमें से अक्सर मेरे मकरूज हैं, और ये बात मेरी जिंदगी की जमानत है। यानी मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो वो किसी और को लेकर आ जाएंगे। अब ये बताओ, वो जमानतें क्या हैं? मैं उन्हें कर्ज देता हूं जो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रकम नहीं होती। जीतने वाले मुझे फौरी अदायगी कर देते हैं, और अगर कोई हार जाए तो मैं अदायगी बमसूद लेता हूं। इससे ले लो, आके दे दो। इसमें कोई धोखा नहीं है। मैं किसी को मजबूर नहीं करता। बदबख्त इंसान, इस तरह जोश से काम नहीं लिया जाता बेटा। इसे हाथ मत लगाना। क्या सुरंगों के खाके तैयार हो गए? हम कोशिश कर रहे हैं पाशा, लेकिन मैं माफी चाहूंगा। हमें हुक्म दिया गया है कि किसी को भी रास्ते ना दिखाए जाए। किसी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? यही हुक्म मिला है। नक्शे पर सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम सुल्तान मौजम को ये खुद पेश करेंगे। इस्माइल पाशा, क्या कोई जानता है कि आप यहां हैं? नहीं सुल्तान मौसम, किसी ने मेरा ताक़ुब नहीं किया। ज़ुल्फ़लुई इस्माइल पाशा, आपने अहमद पाशा पर जो इल्जामात लगाए हैं वो मजबूत हो रहे हैं। महल में मकतूल कातिब ने एक रुक्का छोड़ा था, उसमें लिखा है कि असल में अहमद पाशा ही गद्दार हैं। जानता हूं सुल्तान मौसम, इसके मुतालिक मुझे सारी मालूमात तंजीम ने ही फराहम की है। हुक्म दीजिए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं चाहता हूं कि मैं खुद उनसे तफ्तीश करूं और पूछूं कि तमाम इल्जामात मुझ पर क्यों लगाए। पाशा, हम आपको इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस तरह हमें यहां आपकी मौजूदगी का यकीन है, हम अहमद पाशा के मेसन होने का भी इसी तरह यकीन करना चाहते हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूं सुल्तान मौसम, आप अहमद पाशा के साथ नरमी बरत रहे हैं और ये देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। आपको थोड़ा सब्र करना होगा पाशा। सेलानिक में खानाबंदी की वजह से मेसन इजलास नहीं कर पा रहे। दरहकीकत मेसन अखबार में आपके बयान की वजह से आपको अपना साथी समझते हैं। जी सुल्तान मौसम। अब इस्माइल पाशा, आपको उनसे पाए तख्त में ही मुलाकात करनी होगी। वो हमारे इकदाम के बाद खौफजदा है सुल्तान मौसम। वो जानते हैं कि हम उनके ताक़ुब में हैं। वो इजलास नहीं करेंगे। हम उन्हें मजबूर करेंगे पाशा। अब आप इंतहाई जिम्मेदारी से हर्फ बा हर्फ वही करेंगे जो हम कहेंगे। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हम खुद को यहाँ महफूज नहीं समझते अब्दुल कादिर। इस कदर मुहाफिजों और खिदमतगारों के बावजूद उनकी मौजूदगी फातिमा सुल्तान को चुपके से हमारे कमरे में दाखिल होने से नहीं रोक सकी। वालिदा, आलिया ने बताया था ना, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। रहने दीजिए नईमे बेटी, आलिया अपनी बहन की हिफाजत के लिए झूठ बोल रही है। वालिदा, ये सब आपका तस्वुर है, हकीकत नहीं। देखिए, हम आपके बहन की वजह से किस हाल में हैं। मैजियत महल से चली गई। फातिमा और आलिया इस महल में खुद को अजनबी महसूस करती हैं। नईमे, हम दोनों ही नाखुश हैं। गुजरे दिनों को याद करते हैं, वो मुस्कुराता चेहरा, हमदर्दी से सबको गले लगाने वाली वालिदा को याद करते हैं। बेहतर होगा कि आप इस वालिदा की आदत डाल लें, क्योंकि हम नहीं बदलेंगे, सबकी बेहतरी की खातिर। खुदारा संभालिए खुद को। कोई भी बेदार सुल्तान पर यकीन नहीं करता, कुछ नहीं होगा। हम हकीकत जानते हैं, क्या ये काफी नहीं? हम अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। बहुत सख्त अल्फाज थे उनके। आ जाएं। ये मकतूब आपके लिए आया है शहजादी। जा सकती हैं। यकीनन स्टेफानो की तरफ से होगा। बिल्कुल, वो कल दोपहर पैरा में मिलना चाहते हैं। सुल्ताना, कहिए बेटी। फातिमा सुल्तान के लिए आने वाले खत का तर्जुमा करवाया है। बहुत खूब। कमांडर, मैंने लियोन के बारे में तहकीकात की है। पाया तख्त में मुक्केबाजी के खेल का मुकाबला मुनक्किद किया जाएगा। मशहूर पहलवान निको पाया तख्त आएगा। कमांडर, निको से मुकाबले से पहले बतौर तरबियत मुक्केबाजी के खेल का एहतमाम किया जाएगा। ये खबर मिली है मुझे। वो एक ऐसे आदमी को मुकाबले में लाना चाहते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। एक जमाने में इस काफिर को दुबारा जी के नाम से जाना जाता था। ये मुकाबले बस दिखावा है, यानी कर्जों का रास्ता इन मुकाबलों के जरिए खोला जाता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें तंजीम के सरबराह के इंतखाब के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। इसमें सबसे गलत बात यह है कि कारकुन दिए गए कर्ज का इस्तेमाल करते हैं और शर्त हार जाते हैं तो कारखाना रियासत को फरोख्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कारखाने का रियासत के साथ खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक है उस्मान? कमांडर, महल से खबर मिली है कारखाने के कुछ हिस्से कारकुन तंजीम को फरोख्त कर दिए गए हैं। अब जो भी तंजीम का सरबरा होगा वो कारखाने की फरोख्त का फैसला करेगा। मुझे मामले की अहमियत समझ आ गई है। हम कर्जदारों को कर्ज से निजात दिलाएंगे और नए कर्जे लेने से भी रोकेंगे। उन्हें मजबूर कर देंगे कि कारखाना रियासत को फरोख्त किया जाए। सुल्तान मौसम, क्या आप ठीक हैं? आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। पहले आप बताइए मलिका। क्या बताएं सुल्तान मौसम? आप पुरसुकून क्यों नहीं हैं? किस ख्वाब की वजह से आप सो नहीं पा रही? आपने अपना दरवाजा मुकफ्फल क्यों कर रखा है? इसका सिर्फ एक ही सबब है, लेकिन आप समेत हम पर कोई भी यकीन नहीं करता। फातिमा बेटी, वो किस मकसद से आई थी हमें नहीं मालूम, लेकिन वो चुपके से हमारे कमरे में दाखिल हुई थी। ये एक संगीन इल्जाम है। क्या आपको यकीन है? हम रात को बेखाबी की वजह से किताब पढ़ते हुए सो गए थे। एक आवाज से हमारी आंख खुली। जब हमने दरवाजे की तरफ देखा तो फातिमा सुल्तान वहां थी। वो उजलत में दरवाजा बंद करके चली गई। क्या आपको यकीन है कि वही थी? जी बिल्कुल वही थी। उनका चेहरा देखा था आपने? चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन हमने उनका लिबास देखा था। हम उनके पीछे उनके कमरे में गए तो वो उसी लिबास में मलबूस थी। उनके अलावा हरम में किसी और ने उस रंग का लिबास नहीं पहना था। सुल्तान मौसम, आपको लगता है कि ये हमारा वहम है ना? हमें लगता है कि आपको अपना ध्यान कहीं और लगाने की जरूरत है। अगर आप कुछ अरसा यहाँ से दूर जाना चाहें तो शायद इससे आपके कल्ब और रूह को सुकून नसीब हो। हम आपसे दूर कहीं भी सुकून महसूस नहीं करते, लेकिन बेफिक्र रहिए। आइंदा किसी ठोस सबूत के बगैर आपके पास शिकायत लेकर नहीं आएंगे हम। सुल्तान मौसम, मौसम गर्मा में कुछ सुबारा दरी आए और यहाँ ठहरे थे, क्या यह सच है? जी बिल्कुल पाशा। कयाम के मायात क्या थे? यहाँ कयाम के दौरान क्या आप उनकी खिदमत में थे? सुल्तान मौसम यहाँ कभी कभी आते थे। मैं और किले के दीगर मुलाजमीन भी उनके हमरा थे। ठीक है, जाओ। मैंने कितनी बार अपनी जिंदगी को उनके लिए दांव पर लगाया है, एक बार भी नहीं पूछा कि अहमद पाशा कहां और किस हाल में है। वो हमारे पास नहीं आए। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। मैंने आपके लिए अपनी मौजूदगी में खाना तैयार करवाया है। अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ खाना तनावल फरमा लीजिए। ज़ाया हो जाएगा, आप इसे ले जाइए। लेकिन सुल्तान मौसम, भूख नहीं है हमें पाशा। इनसे कहीं से ले जाएं। वापस ले जाइए। सुल्तान मौसम, आप कुछ खा नहीं रहे। आपने अपनी भूख को खो दिया है। अगर आप कुछ दिन के लिए कले जाना चाहें तो वहाँ का मौसम आपके लिए अच्छा रहेगा और इस तरह आपको कुछ आराम मिल जाएगा। हम कैसे जा सकते हैं पाशा? सूरत हाल आपके सामने है। जब हम मुड़ के देखते हैं तो अपनी पीठ में अपने ही दोस्त का खंजर घोंपा हुआ पाते हैं। सुल्तान मौसम, आपकी सेहत बादशाह, अगर कोई हमें सेहत के लिए एक चमचा शहद देता है तो हम सोचते हैं कि कहीं इसमें गद्दारी का जहर तो शामिल नहीं है। ये आदमी तो इस्माइल पाशा है ना? हाँ वही है। मैंने अखबार में इस गद्दार को देखा है। रियासत से वफादारी की वजह से इसने हमें मुलाकात में नहीं बुलाया। गद्दार इस्माइल पाशा, आप किस कदर बेशर्मी से पाया तख्त में घूम रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हारी जबान काटना जानता हूँ। यानी गद्दारी काफी नहीं थी जो आप अहमद पाशा पर भी बहुतान लगा रहे हैं। आपने सहाफ़ियों की मुलाकात में तो हमें नहीं बुलाया। अब हम आपसे बराह रास्त बात करते हैं। रियासत के वफादार पाशा पर इल्ज़ाम लगाने का क्या फ़ायदा है, बताएं हमें। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अगर गद्दार को ढूंढ रहे हो तो जाकर यिल्दिज़ में देखो। गद्दार यिल्दिज़ महल में है। एहतसाब मुझसे नहीं, अहमद पाशा से करो। पाशा होने को तो छोड़ो, तुम तो इंसान भी नहीं हो इस्माइल। क्या हो रहा है यहाँ पर? हटो, रास्ता दो। कातिल उस तरफ गया है, वो भाग रहा है। आओ अहमद आओ। जनाब, जनाजे की तरसील के लिए बग्गी की दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन तमाम बग्गियां दूसरे जनाजे में गई हैं। हमें क्या करना चाहिए? एक बग्गी किराए पर ले लो। हमने ये जगह अवाम की खिदमत के लिए ही संभाली है, और जब हम अवाम की बात करते हैं तो हमारी थोड़ी सी फिक्र बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बेहतरीन काम किया है आसिफ। हाँ कहो ज़करिया। लोगों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने के लिए मैंने तुम्हारी बात पर अमल किया है, एहसान किया है तुम पे। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि इख्तिताम कैसे होगा। लियोन के साथ क्या करूंगा ये अंदाजा नहीं था तुम्हें। अब दोबारा हमारे दरमियान मौजूद लोगों की खातिर लियोन को दे दो मुझे। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ ज़करिया, लेकिन लियोन को देने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं जानता हूं कि इन मुकाबलों का इनेकाद तुम करते हो। मैं अपने खिलाड़ी के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं, बस यही शर्त है मेरी। तुम्हारा इन मुकाबलों से क्या ताल्लुक है अशरफ? इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो। मेरी तरफ से नादिर साहब लड़ेंगे। अगर तुम्हें यह शर्त कबूल नहीं है तो लियोन को नहीं ले जा सकते, चाहे फौज क्यों ना ले आओ तुम। ठीक है, मैं कबूल करता हूं। तुम इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो। एक वक्त था जब तुम यहां आकर माल तलब किया करते थे। यानी? ताकतवर के साथ रहने के बजाय खुद ताकतवर बनो। याद रखना, दूसरों के बलबूते पर रहने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। अहमद पाशा, खैरियत है महमूद पाशा? अहमद पाशा, एक बुरी खबर है। हैरतअंगेज तौर पर दिन दिहाड़े ज़ुल्फ़लुई इस्माइल पाशा ने पाए तख्त में किसी को कत्ल कर दिया है। क्या? उसने किसको मार दिया? उसने सड़क के बीच में सहाफी से शदीद झगड़ा किया। उस सहाफी ने उस झगड़े के दौरान आपका साथ दिया। ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा गुस्से में आ गए, अपनी पिस्तौल निकाली, ठाक गोली मार दी। महमूद पाशा वो शख्स नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। फौरन उसके खिलाफ इकदाम करना होगा हमें, फौरन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम आखिर उस इंसान के खिलाफ इकदाम कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं पाशा। सुल्तान मौजम की इजाजत के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। अहमद जलालुद्दीन पाशा के दीवान में इसका फैसला किया गया है। मैं उसे साथी तौर पर सजा दूंगा। मैं ये वाकया देखे, हमारा भाई जो कि अब एक कातिल बन चुका है। अगर उसने कत्ल किया है तो अब वो हमारा भाई नहीं है। उसने मैसन होने का ऐलान करके कवायद नहीं तोड़े, लेकिन अगर कोई मैसन किसी को कत्ल करता है तो इस जुर्म के बाद उसकी रुकनियत खत्म हो जाती है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? वहां खानाबंदी है, हमें कुछ करना होगा। फिलहाल हम इस्माइल पाशा को जानशीन मुकर्रर करने को कहेंगे फर्नांडिस, और अगर इस्माइल पाशा हमसे मिलने से पहले ही पकड़ा जाता है तो अब्दुल हमीद से हम उसे नहीं बचा पाएंगे, किसी और को भी मुंतखब नहीं कर सकेंगे, और हमारा अजीम लॉज बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। और हम उससे मिलेंगे कैसे? पाए तख्त में मैं मुलाकात के लिए मवासलात का इस्तेमाल करूंगा। ये खतरनाक है। मैं जानता हूँ मेरे भाई, जानता हूँ, मगर इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अहमद पाशा ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा को देखते ही बगैर किसी सवाल जवाब के कत्ल कर देंगे सुल्तान मौसम। वो उन्हें हमेशा मैसन या गद्दार के नाम से बुलाते हैं। कोई है जिस पे मैं एतबार करता हूँ, लिहाजा मुझे यकीन है कोई नहीं जान सकेगा कि मवासिलात का हुक्म आखिर किसने दिया था। वो जाते हैं, इसमें जो लिखा है उसे अखबारात में शाया करवा दूं मैं। ये वजह है आपकी परेशानी की। वो इस खबर को शाया करवा देना चाहते हैं, कोई आम खबर नहीं है ये। मैसन एक जगह जमा होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ और कैसे जमा होंगे। हमें जल्द अज जल्द उनके रवाबित के बारे में जानना होगा और कार्रवाई करनी होगी।